and welcome to another video. So today I'm gonna talk about here that you can understand by this sentence that is in an indirect tense, right? How we can convert into an direct to an indirect. So that first of all we can recapping all those certain things which we are reader yesterday. So that is, Tanu said to me, I know this place, full stop, I have been here. So Tanu said to, so Tanu is a speaker, said to is in a reporting verb, me is a listener, and inverted comma like this. And यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा जो है सेंटेंस है जो कि असर्टिव सेंटेंस की बात कर रहा है, राइट. अब सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कैसे ये चेंज होता है. लाइक तनु सेड टू का हमें टोल्ड बनाते हैं, मी एंड इन्वर्टर कॉमा को हम दैट का यूज़ करते हैं. जब हम आई की बात करते हैं या वी या इसमें जो भी आता है वो हमारे स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज होता है. तब तनु हमारी शी है तो शी लगा दिया, नो का न्यू बना दिया, और दिस और यहाँ पे हेयर है, इन दोनों को दिस दैट हमने पढ़ा था कि दिस दैट नाउ देन बन जाता है ना. इस तरह से जो है सेंटेंस में अगर दिस आया तो दैट बन जाता है, और हेयर आया तो देयर बन गया. तो इस तरह से जो है इसकी जो किस तरह से चेंजेस होंगे, ये होता है टू वर्ड्स, राइट. टू वर्ड्स जिसमें हमारा नियरनेस डिस्टेंस की बात करता है, एक में करता है हमारी टाइम की बात. ठीक है, हेयर एंड देयर हो गया, ये डिस्टेंस की बात कर रहा है. दिस दैट हो गया तो ये भी हमारा इस तरह से बात कर रहा है. ठीक, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है कीर्ति सेज. कीर्ति जो है वो प्रेजेंट में कह रही है, तो अगला सेंटेंस चेंज होने की कोई भी गुंजाइश नहीं रखता. हमें पता है कि जो हमारा कीर्ति, जब यहाँ पे अगर सेट टू होता तो हमारा ये अगला जो टेंस होता वो चेंज होता, परंतु यहाँ पे हमारा प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है तो यहाँ पे टेंस का कोई भी तब्दीली नहीं होगी, जस्ट पर्सनल प्रोनाउन चेंज होगा. एंड इसके बाद जो है हमारा दीज, जो हमने पढ़ा था कि दीज दैट जो है वो हमेशा जब आपकी जो अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में रहती है तब ही चेंज होता है आगे का जो भी है, राइट. तो यहाँ पे हमारा अगला आता है कीर्ति से, यू कैन ट्रस्ट दीज बॉयज सौरभ. तो सौरभ जो है हमारा लिसनर है, तो जब ये हमारा चेंज हो जाएगा, कीर्ति टेल सौरभ हो जाएगा, तब हमारा जो है यू को हम, सौरभ हमारा यू है तो ही लगा दिया हमने यहाँ पे, देन कैन को कैन ही रखा. ठीक, कैन को कैन ही रखा, लाइक इसको कुड नहीं बनाया हमने. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहा है हमारा प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो इसलिए कैन नहीं चेंज हुआ. और नेक्स्ट हम बात करेंगे दीज बॉयज. तो दीज बॉयज जो है यहाँ पे प्रेजेंट के बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे जो दीज है वो दोज में चेंज नहीं हुआ. ठीक है, अगर सेड होता तो यहाँ पे दोज चेंज हो जाता. नेक्स्ट वी गोना गो देयर. लीडर विल से ये फ्यूचर में कह रहा है, आई हैव ब्रॉट द फ्यू प्रूफ हेयर टुडे. अब यहाँ पे आई हैव ब्रॉट द प्रूफ हेयर टुडे. ठीक है, तो यहाँ पे लीडर विल से वैसा का वैसा आ जाएगा. इन्वर्टर कॉमा को दैट में चेंज किया, आई को जो है हमारा लीडर है तो ही लगाया हमने, है ना, और ही के साथ हैव यहाँ से देख के नहीं हुआ है चेंज, क्योंकि हमें पता है कि ही जो है वो सिंगुलर है तो हैज़ लगा यहाँ पे, ना कि इसकी वजह से, इसीलिए यहाँ पे तो सोचना ही मत. हैज़ ब्रॉट द प्रूफ हेयर टुडे. अब यहाँ पे जो है हेयर टुडे जो है हेयर देयर में चेंज हो गया, और टुडे जो है वो दैट डे में चेंज हो गया, राइट. तो नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हेयर देयर में बदल सकता है, परंतु देयर हेयर में चेंज नहीं हो सकता. हाँ, हालांकि अगर इसमें दिया होता द लीडर विल से आई हैव ब्रॉट द प्रूफ देयर, तो देयर को हेयर में चेंज नहीं कर सकते आप. ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका डायरेक्ट टेंस में ही दे सकता है हेयर. ठीक है, देयर नहीं हो सकता. अगर देयर है तो देयर ही लिखा जाएगा,
इसमें कोई भी तब्दीली नहीं होगी। नेक्स्ट, फ्यूचर टेंस में बताया जाता है आपको किस तरह से आपका मूड जो रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। फ्यूचर आपका मन होगा, आपका जैसे आप मॉडल एक्सिलरी की बात करते हो तो फ्यूचर टेंस में जब आप बात करते हो, जैसे विल शैल की बात करते हो उसको तो वुड में लिखते हो, राइट। जब हम यही फ्यूचर टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं, विल शैल की बात करते हैं, है ना, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में लिखते हैं, तो भी हम इसको वुड की रेफरेंस लेके चलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फ्यूचर की फ्यूचर रेफरेंस दिया गया है किसी भी सेंटेंस में, तो वहाँ पे भी हम वुड को ही यूज़ करेंगे, ना कि विल को यूज़ करेंगे, ठीक। यहाँ पे अगर इसको समझना है तो आप इस सेंटेंस को अच्छे से समझ सकते हैं। द एग्ज़ाम स्टार्ट नेक्स्ट वीक, सेड गीता। एग्ज़ाम क्या होने वाले हैं, स्टार्ट होने वाले हैं अगले ही वीक में, तो गीता ने कहा है। गीता ने कहा तो ये प्रेजेंट में है, पर यहाँ पे नेक्स्ट वीक जैसे ही एडअप हुआ तो ये फ्यूचर रेफरेंस की हमारी बात करता है, लाइक फ्यूचर रेफरेंस जनरेट कर रहा है। इसीलिए जब फ्यूचर रेफरेंस किसी भी सेंटेंस को अगर प्रेजेंट या यू नो किसी भी लिखा हुआ है, अगर उसमें इस तरह से वर्ड्स लिखा हुआ है जो कि फ्यूचर रेफरेंस को क्रिएट कर रहा है, हालांकि बोला गया सेंटेंस जो है प्रेजेंट में है, तो भी हम इसमें क्या करेंगे, वुड को यूज़ करेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन वी गोना टॉक अबाउट है, वी हैव फ्यूचर रेफरेंस किस तरह से क्रिएट कर रहा है हमारा। द लीडर सेज द एम्प्लॉई आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू ब्रांच कमिंग मंथ। कहा तो उसने प्रेजेंट में है, पर आने वाला मंथ जो है वही उसमें ये क्रिएट ब्रांच को कर रहा है स्टार्ट, तो इसमें लिख देंगे ही वुड यू नो गो टू स्टार्ट, इस तरह से आएगा, ही वुड गो टू स्टार्ट, गो टू नहीं लिखो, ही वुड स्टार्ट इन यू ब्रांच। तान्या सेड मोनिका इज़ गोइंग टू अम्बाला टुमारो। मोनिका इज़ गोइंग, मोनिका तो प्रेजेंट में जा रही है, परंतु जब इसमें टुमारो लिख गया तो ये फ्यूचर रेफरेंस को क्रिएट कर रहा है। तान्या सेड एंड मोनिका वुड गो अम्बाला नेक्स्ट डेज, तो ये हमारे बात करता है। इसमें मेन वर्ब नहीं थी, इसलिए हेल्पिंग वर्ब की को ही यूज़ कर रहे हैं। अब हमें पता है कि पिछले सेंटेंस में हमने जो है हमारे पास वर्ब थी, इसीलिए हमने क्या किया था, यूज़ किया था यू नो मेन वर्ब को। अब यहाँ पे मेन वर्ब दी ही नहीं है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब को ही एक मेन वर्ब की तरह यूज़ कर लिया, इसमें ज़्यादा कुछ समझने लायक नहीं है। आगे आता है वी कन्फ्यूजन, तो वी कन्फ्यूजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हमने बात की थी कि जिस तरह से जो है स्पीकर और लिसनर जब इन्वॉल्व होते हैं किसी भी यू नो कॉन्टेस्ट में, तो उसमें जो है वी वी का ही रहता है, वी ही रहता है। अगर स्पीकर और लिसनर इन्वॉल्व नहीं है किसी भी बातचीत में, तो वी का क्या हो जाता है, दे हो जाता है। जैसे कि इस सेंटेंस में जब आपको देखने को मिलता है, द ब्रदर सेड टू मी वी आर गोइंग टू नैनीताल टुमारो, तो मेरा भाई मुझसे ही कह रहा है, तो मैं भी इसमें इन्वॉल्व हूँ। जब मेरा फ्रेंड मुझसे कह रहा है कि हम एक नई कार लेने वाले हैं, तो कार तो वो अपने लिए ले रहा है ना, मैं कैसे उसमें इन्वॉल्व हो गई, मैं तो इन्वॉल्व हुई नहीं। जब मैं इन्वॉल्व नहीं होंगी तो मैं वी की जगह दे का यूज़ करूँगी, और जब मेरा भाई मेरे साथ जाएगा नैनीताल, तो मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ ना, तो इसको हम चेंज करेंगे, वी को वी ही रखेंगे। जब हम इन्वॉल्व नहीं होते हैं तब हम दे का यूज़ करते हैं। My friend told me that they would buy a car following year. जब सेंटेंस पे स्पीकर और लिसनर दोनों इन्वॉल्व हैं तो वी ही रहेगा, अगर स्पीकर और लिसनर दोनों इन्वॉल्व नहीं हैं तो दे होगा, ठीक है। द ओल्ड मैन सेज दैट वी ऑल आर सीनियर्स, द ऑफिसर सेड वी वॉन्ट अ पेंशन, ठीक। आगे बात आती है ड्यूरेशन की, जब भी हम ड्यूरेशन की बात करते हैं, आने वाला समय या आने वाली रात, आने वाला कल, ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है वो हमारी फ्यूचर कॉन्टेस्ट में ही होंगी,
हमेशा ये याद रखना कि कोई भी चीज़ जैसे कि टू नाइट है, टुमारो है, ये दोनों की दोनों हमारे फ्यूचर रेफरेंस को क्रिएट करता है। किसी भी सेंटेंस में अगर आपको टू नाइट की बात कर रहा है, लिखा उसने प्रेजेंट में है ना, अभी हो रहा है, और ठीक है वन टुमारो की बात कर रहा है, तो दोनों दोनों के दोनों जो हमारे फ्यूचर रेफरेंस को ही क्रिएट करने करने के लिए होते हैं। और टुमारो का मतलब आपको जानते ही हैं कि किस तरह से जो है आने वाली मॉर्निंग, टू मतलब कमिंग, टू मतलब कमिंग एंड नाइट मतलब रात, आने वाली रात टू नाइट हो जाती है, और टुमारो हो गया आने वाली सुबह, तो टुमारो हो जाता है, अभी होना बाकी है, मतलब कि अभी हुआ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव एन यू नो अलग यहाँ पे आता है, द ऑडियंस सेड वी एंजॉय दिस मूवी अलॉट। अब ऑडियंस है वो किसी मूवी को देख रही है, तो ऑडियंस में बहुत सारे ग्रुप आ गए, बहुत सारे लोग आ गए, तो लोगों को पसंद आ रही है मूवी भाई, तो उन्होंने किसी मूवी को बहुत इन्जॉय किया है, तो ग्रुप का एक यू नो पर्सपेक्टिव है, या एक यू नो वो सोच रहे हैं, या यूनाइटेड सेंस में ये बात कह रहे हैं कि हाँ मूवी बहुत अच्छी थी। ठीक, जब यूनाइटेड सेंस में कोई बात कही जाए तो वी अगर क्वेश्चन में अगर है तो वी को इट में चेंज करते हैं। ठीक, वी को हमेशा हम इट में चेंज करेंगे, वी को वी ही नहीं रखेंगे, या वी को दे नहीं बनाएंगे, वी को इट लिख देंगे, इट। ठीक, जब कलेक्टिव नाउन में जब आपकी बात यू नो डिवाइडेड सेंस में हो, डिवाइडेड सेंस मीन्स टू से दैट यहाँ पे क्वेश्चन है, द यूरी विल से वी कैन नॉट डिसाइड द कल्प्रिट अलोन, तो यूरी जो है वो क्या है, कह तो प्रेजेंट में रही है बट यू नो उनका जो विचार है वो मिल ही नहीं रहा साथ में, अभी तक वो ढूंढ ही नहीं पाए हैं कल्प्रिट को। ठीक है, तो उनका जो यू नो पर्सपेक्टिव है वो डिवाइडेड सेंस में आ रहा है तो ग्रुप में ही है, जज ग्रुप ऑफ जजेस होता है जूरी, तो ये कहने का अर्थ है कि यहाँ पे जो है दे को वी को हमेशा जब आपका जो पर्सपेक्टिव मिलता नहीं है, या ग्रुप जो है वो आपस में जो है मिलते नहीं है, यूनाइटेड सेंस नहीं होता, डिवाइडेड सेंस होता है, तब यहाँ पे वी को हम दे मान के चलते हैं, दे मतलब वे लोग, इसमें सब लोग इन्वॉल्व नहीं हैं। ठीक, अगला हमारा टॉपिक है हमारा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिस डायरेक्ट टेंस में किसी ने क्वेश्चन किया। ठीक है, तो क्वेश्चन तो वो सेट टू में ही करेगा, जब क्वेश्चन करता है, जो कोई भी क्वेश्चन करता है उसके यू नो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है या तो ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है। सबसे पहले आपको क्लोज एंडेड की भाषा पता होनी चाहिए और ओपन एंडेड की भाषा पता होना चाहिए। क्लोज क्या होता है, ओपन एंडेड क्या होता है। ओपन एंडेड वो क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्टली आपसे पूछ लिए जाते हैं, जिसमें क्वेश्चन वर्ड होता है, सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है, और ऑब्जेक्टिव होता है। अब इसी तरह हम क्लोज एंडेड की बात करें जिसमें डू डिड डन और डज यू नो हैव जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आती है, देन हमारे पास जो है सब्जेक्ट आता है, देन इसके बाद पूरा सेंटेंस आता है। जिस तरह से इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है, वो हमारे क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि इस सेंटेंस में अगर आप देखें तो कार्तिक ने कहा सोनिया से, डू यू नीड सम हेल्प, तो डू यू नीड्स मतलब कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला कोई भी सेंटेंस दैट इज कंसिडर्ड टू बी एन क्लोज एंडेड क्वेश्चन। सो हियर वी गोना टॉक अबाउट कार्तिक सेड टू सोनिया, डू यू नीड सम हेल्प, तो कार्तिक सेड टू तो यू नो जिस तरह से हम पढ़ के आ रहे हैं वैसा ही है, तो रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको भी हम देखेंगे, सोनिया लिसनर है, कार्तिक हमारा स्पीकर है, इन्वर्टेड कॉमा के नाम पे हमारा क्या लिखेगा वो भी हम देखते हैं।
डू यू नीड सम हेल्प, तो यहाँ पे ये असर्टिव सेंटेंस तो दिख नहीं रहा। हमें पता है कंजक्शन के बाद हमेशा क्या लगता है, असर्टिव सेंटेंस। यहाँ पे तो कोई असर्टिव सेंटेंस दिख ही नहीं रहा। हाँ, क्वेश्चन के रूप में डू से या यू नो डू डिडन डज कोई भी यू नो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आ सकती है। तो पॉइंट इज़ टू बी राइट हियर दैट किसी भी अगर आप इंटरोगेटिव पे आ गए हो, असर्टिव सेंटेंस को आपने रीड आउट कर लिया है, अब हम क्वेश्चन की बात करेंगे, किस तरह से आप क्वेश्चन करते हो और उसी को ही हम कहेंगे रूल्स। तो किस तरह से आप किसी को क्वेश्चन करेंगे आप, तो आप सेट टू तो नहीं कहेंगे, ठीक। तो रूल्स में परिवर्तन होना ज़रूरी है। अब हमारा यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब हमारा से है। अब कहने का कोई और भी तरीका हो सकता है, जब हम कोई भी चीज़ यू नो किसी ने क्वेश्चन किया, तो किसी ने किसी को कहा और क्वेश्चन किया उसने, तो कहेगा वो किस तरह से। तो यहाँ पे कुछ हमारी रिपोर्टिंग वर्ब्स हैं जिसको हमने समझना है। अब रिपोर्टिंग वर्ब्स में जब सबसे पहले बात आती है आस्क, आस्क जब भी हम क्वेश्चन करते हैं या क्वेश्चन किसी को किया जाता है, तो हमारी सबसे पहला शब्द आता है हमारा आस्क। अब इसी के पीछे एस ई ई डी जो है एस ई डी एस ये जो है ये हमारे सेंटेंस को देख के चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका रिपोर्टिंग वर्ब सेड से है तो आस्क ही रहेगा, अगर सेड टू है तो हमारा आस्क्ड हो जाएगा। फ़र्क नहीं पड़ता हमारा लिसनर दिया है या नहीं दिया, ठीक, फ़र्क नहीं पड़ता हमें लिसनर दिया हो हिम ही हिम मी अस कुछ भी दिया हो, फ़र्क नहीं पड़ता, आस्क आस्क आस्क्ड ही रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा इंक्वायर्ड, इंक्वायर्स इंक्वायर्ड, इसमें लिसनर होना ज़रूरी है, ठीक। इंक्वायर ऑफ, अब जब डिमांड की बात आती है डिमांड्स डिमांडेड और लिसनर होना ज़रूरी है। जब हम डिमांड का यूज़ करेंगे किसी भी क्वेश्चन में, किसी ने डिमांड की, ठीक है, तो हम डिमांड ही लिखेंगे, डिमांड्स हो गया, डिमांडेड हो गया, उसके साथ हमारा ऑफ प्रपोजिशन लगता ही लगता है अगर हमारा लिसनर दिया है। अगर हमारा लिसनर नहीं दिया है फ़र्क नहीं पड़ता, अगर लिसनर दिया है तो हमें ऑफ का ज़रूरत है, इंक्वायर ऑफ और डिमांड ऑफ दोनों में लगेगा। आगे हमारा है वांट्स, एस और एस ई डी, ठीक है, जो टू नो, जब हम वांट्स का यूज़ करेंगे या टू नो का बात करेंगे, तो हम इसमें अगर लिसनर नहीं दिया है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर लिसनर दिया है तो हमें फ्रॉम का यूज़ करना पड़ेगा, फ्रॉम, want from, wanted from, तो ये सारे आपको लर्न करने पड़ेंगे। इंटरोगेट, किसी को क्वेश्चन कर रहे हैं तो इंटरोगेट कर रहे हैं, इंटरोगेटेड, इंटरोगेट्स, क्वेश्चन, क्वेश्चन्ड, इसमें तो हमारा कुछ लिसनर दिया नहीं है कि लिसनर हो या ना हो, इंटरोगेट्स लिख सकते हैं। जब क्वेश्चन की बात करते हैं तो लिसनर दिया है तो हमें यू नो लिसनर दिया है नहीं दिया है क्वेश्चन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंटरोगेटिव का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर जब हम इंक्वायर डिमांड्स और वांट्स की बात करते हैं तो इसमें हमें ऑफ या फ्रॉम की यूज़ करना ही पड़ता है। आगे हम जब पढ़ते हैं हमारा आ जाता है कंजक्शन। कंजक्शन के रूप में जब इंट्रोगेटिव होता है तो हमने क्या यूज़ किया था पिछले टाइम, डैट का यूज़ किया था। जब हम यू नो क्लोज एंडेड की बात करते हैं, किसी भी क्वेश्चन में क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपने हमेशा कंजक्शन के रूप में इफ़ और वेदर का यूज़ करना है। इफ़ और वेदर यू नो क्वेश्चन की बात करते हैं, आपकी कंडीशन की बात करते हैं, इफ़ और वेदर के बाद आपको पता ही है जब आपकी कंजक्शन लग चुकी है, देन यू हैव टू राइट असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस कैसा होता है, जिसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग हो, मेन वर्ब एंड देन आपका जो है ऑब्जेक्ट और उसके बाद फुल स्टॉप होता है। ये गलत लिखा आपने, ठीक, तो इस तरह से है। जैसे कि हमने इसमें पढ़ा कि सबसे पहले हेल्पिंग हो फिर सब्जेक्ट हो, परंतु इसमें क्या होगा, जब चेंज होगा तो ये सब्जेक्ट पहले आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब उसके बाद होगी।
अब जैसे क्वेश्चन आपकी जो भी यू नो सेंटेंस में अगर आपको क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है तो वो हमेशा असर्टिव जब सेंटेंस बन जाएगा तो वो डॉट में ही आएगा, फुल स्टॉप में ही आएगा, तो ये तो लॉजिकल बात है। यूजुअल चेंजेस, जैसे कि यूजुअल चेंजेस में आ गया प्रोनाउंस, जैसे कि आई का यू में चेंज होना, जिस तरह से है सॉरी यू का लिसनर से चेंज होना, आई का स्पीकर से चेंज होना। टेंस में इसमें बात आ गई कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो अगर पास्ट में है तो चेंज होगा अगला सेंटेंस, तो अगर नहीं है तो नहीं होगा, प्रेजेंट में है तो फ्यूचर में, प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो अगर टेंस नहीं होगा चेंज। अगर आपका यू नो रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है तो टेंस चेंज होगा। टू वर्ड्स वो हो गए जिसमें देन का नाउ बनाना, नाउ का सॉरी नाउ का देन बनाना, हेयर का देयर, दीज का दोज, इस तरह से जो है नियरनेस और टाइम्स की बात करते हैं। वी कन्फ्यूजन जिसमें हमने पढ़ा कि वी अगर कलेक्टिव नाउन है आपका यूनाइटेड सेंस है तो उसमें आपने इट का यूज़ करना है, अगर आपका डिवाइडेड सेंस है तो आपने दे का यूज़ करना है। अगर आपने आप लिसनर और स्पीकर में इन्वॉल्व्ड हो तो भी आपने वी ही यूज़ करना है, जब आप इन्वॉल्व नहीं हो देन वी यूज़ दे, राइट। तो ये थे हमारे यूजुअल चेंजेस, किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस में होंगे वो सेम ही रहेंगे। कार्तिक सेड टू सोनिया, डू यू नीड सम हेल्प। अभी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। कार्तिक ने कहा सोनिया से, तो सेड टू डू यू नीड सम हेल्प, क्या तुम्हें किसी हेल्प की ज़रूरत है, तो पॉजिटिव सेंटेंस ही है। पर हम इसमें जिस तरह से डिफ़ॉल्ट लेके चलते हैं हम सेट को, ठीक है, डिफ़ॉल्ट लेके चलते हैं, सेज नहीं लिख देते या विल से नहीं लिख देते या टेल्स नहीं लिख देते या टोल, ठीक है। तो उस तरह से जो है इंटरोगेटिव में हमारा आस्क जो है डिफ़ॉल्ट होता है। सबसे पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि आस्क हो तो बेहतर रहता है। तो कार्तिक आस्क सोनिया, अब यहाँ पर दैट मैंने ऐसे ही लिख दिया, राइट। इन्वर्टेड कॉमा को हम चेंज करेंगे इफ़ में, डू यू नीड सम हेल्प। अब यहाँ पे क्या है, डू जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम पीछे ले आएंगे और सब्जेक्ट को आगे ले आएंगे। सब्जेक्ट हमारा है सोनिया, ठीक। यू जो है लिसनर के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो सोनिया, तो शी यहाँ पे सर ने ऑप्शन दिया था डिड नीड और या नीडर, क्योंकि डू का डिड हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव ये बात कर रहा है, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म ही लगेगी, ठीक, नीड जो है फर्स्ट फॉर्म है और नीडर हमारी सेकंड फॉर्म, पास्ट में चला जाएगा जब तो नीडर आ जाएगा सम हेल्प और दैट की जो इफ़ लगेगा, इफ़ यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। जब हम ओपन एंडेड की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा फोकस रहता है किसी भी यू नो इंटरोगेटिव सेंटेंस में, तो क्वेश्चन वर्ड्स सबसे पहले आता है और उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब। जब हम इसको चेंज करते हैं तो सबसे पहले हमें ये पढ़ लेना चाहिए, मानसी सेड टू मी, तो ये हमारा स्पीकर है, ये हमारा लिसनर है, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है। इसके बाद हमारा आ गया ये इन्वर्टेड कॉमा और ये जो कुछ भी आपको दिख रहा है दैट इज़ इन ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्वेश्चन किया जा रहा है तो सीधा जब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्वेश्चन वर्ड के साथ तो दैट इज़ ओपन एंडेड। तो यहाँ पे यू नो जब हम इसको चेंज करते हैं तो सबसे पहले हमें रिपोर्टिंग वर्ब पढ़नी होती है किसी भी ओपन एंडेड क्वेश्चन की, जब हम पढ़ते हैं तो जिस तरह से हमने क्लोज एंडेड की यू नो रिपोर्टिंग वर्ब्स के बारे में पढ़ा, लाइक यू नो इंक्वायर ऑफ, फिर उसके बाद डिमांड, फिर उसके बाद हमने आस्क एंड टू नो, फिर उसके बाद बहुत सारी जो पढ़ी हैं वो सारी ही इसमें भी रिपोर्टिंग वर्ब होंगी, इसमें भी कोई नई रिपोर्टिंग वर्ब्स नहीं होंगी। जैसे क्लोज एंडेड की चेंजेस हैं वैसे ही रिपोर्टिंग वर्ब की चेंजेस होंगी, ठीक है। अगला बात आती है हमारी यहाँ पे कंजक्शन, तो कंजक्शन की बात होती है तो क्वेश्चन वर्ड ही हमारा कंजक्शन के रूप में लगता है, लाइक यू नो जैसे हम इफ़ का यूज़ करते हैं इन्वर्टेड कॉमास की जगह और डू को हम यू नो हेल्पिंग वर्ब में ले जाते हैं और सब्जेक्ट पहले आ जाता है हमारा,
वैसे ही इसमें जो है हमारा क्वेश्चन वर्ड जो कुछ भी लिखा है वैसा का वैसा ही हम लिख देंगे, इसमें कोई भी इफ़ या वेदर का यूज़ हम नहीं करते, हमें इसमें ही पता होना चाहिए। फिर कंजक्शन के बाद तो हमें पता ही है कि किस तरह से हमने पूरा सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट और प्लस डॉट, इसीलिए हमें पता है कि क्वेश्चन मार्क को हम डॉट में चेंज करते हैं। इस तरह से हमने यूजुअल चेंजेस को भी हमने समझना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मानसी सेड टू मी व्हाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे। इस क्वेश्चन को हम जब हम सॉल्व करते हैं तो मानसी हमारा स्पीकर है, सेड टू हमारी बोर्डिंग वर्ब है, मी हमारा लिसनर है, इन्वर्टेड कॉमा के नाम पे कुछ भी नहीं लगेगा, व्हाई हमारा क्वेश्चन वर्ड है, वर यू एब्सेंट यस्टरडे। अब इसको हम समझेंगे कि किस तरह से मानसी सेड टू को मर्ज किया तो आस्क बन गया, मी का मे ही रहा क्योंकि ये कंसिस्टेंट रहते हैं, इन्वर्टेड कॉमा का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, कंजक्शन के रूप में हमने वाई को यूज़ कर लिया राइट। और इसके बाद हमारी शुरू होती है असर्टिव सेंटेंस की कहानी। तो यहाँ पे हमने देखा यू, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लाएंगे, तो यू हमारा मी अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो मी हमारा क्या है ही लेके चलेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई मेंशन्ड नहीं है गर्ल का नहीं, तो ही लेके चलेंगे। और वर को हमने चेंज किया हैड बीन में क्योंकि ये ऑलवेज पास्ट कॉन्टीन्यूस में था, और अगर इसको पास्ट में ले जाएंगे तो हैड बीन हो जाएगा, एब्सेंट है तो एब्सेंट ही लिखा। यस्टरडे को हम चेंज करते हैं प्रीवियस डे में, तो इस तरह से हमारे यू नो प्रीवियस डे, इस तरह से हमारे जो है यस्टरडे जो है हमारा टू वर्ड्स में चेंजेस हुआ। यू हमारा है जो प्रोनाउंस की बात करता है, वर हमारा जो है वो टेंस की बात करता है, वाई जो हमारा है वो क्वेश्चन वर्ड है, एंड इसके बाद हमारा सेट टू जो है वो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब की बात करता है। इससे हमारा पूरा सेंटेंस इस तरह से हम कंप्लीट कर सकते हैं, लाइक अब मॉर्निंग सेट वाई आर यू वरीड सोनी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपने ये समझना है, ठीक है, इसमें कोई यू नो सोनी है जो हमारी लिसनर है, ठीक है, आगे लेके आएंगे। मॉर्निंग सेड टू सोनी, फ़र्क ही नहीं पड़ता सेड है या सेज टू है, ठीक है, बस हमें ये जो है आस्क ही लिखना होता है, मोनी आस्क्ड सोनी। अब इन्वर्टर कॉमा का कोई मतलब नहीं है, तो वाई को हमारा क्वेश्चन वर्ड है तो वाई ही हमने लिख लिया, देन हमारा यू जो है शी है तो शी लिखा हमने, एंड आर जो हमारा प्रेजेंट है तो पास्ट में ले जाएगा, एंड वरी तो लिखेगा ही, इस तरह से बन गया मोनी आस्क्ड सोनी Why she was worried। तो ये थी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। जब हम नेक्स्ट बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा आता है विल यू स्टॉप टॉकिंग सेड ही टू हर शो। देखो ये सेंटेंस कितना कॉम्प्लेक्स है, विल से स्टार्ट हो रहा है तो दैट इज़ एन क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ये सबसे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए कि विल से स्टार्ट होगा या वाई से जब स्टार्ट होगा तो क्वेश्चन वर्ड है या हमारा यू नो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो जब ही हर को कह रहा है तो ही सेड टू हमारा हो गया, सेड टू हमारा हो गया टोल्ड हो गया, और हर सॉरी टोल्ड नहीं होएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा आस्क क्योंकि हमारा विल से स्टार्ट हुआ है। जब विल से स्टार्ट होता है तो हमारा यहाँ पे बात करता है हमारे क्लोज एंडर की बात करता है राइट। तो यहाँ पे ये आपको बात याद होनी चाहिए, ही आस्क्ड हर। अब यहाँ पे क्लोज एंडेड बात है तो यहाँ पे इफ़ का हमने यूज़ किया है, तो फिर हमारा आ गया शी, विल को हमने वुड में चेंज किया, स्टॉप टॉकिंग है ना। फिर जब श्योर की बात की है तो फिर ही ने कहा हर से तो लड़की ही बोलेगी, तो शी रिप्लाइड पॉजिटिवली क्योंकि उसने कोई नेगेटिव बात नहीं कही है, तो श्योर कहा है इसलिए रिप्लाइड पॉजिटिवली। इसलिए यहाँ पे क्या होता है जब दो स्पीकर स्विच करते हैं अपने आप को तो दोनों ही यू नो यहाँ पे दोनों बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं, तो दोनों यहाँ पे इस क्वेश्चन में बात की गई है हमारे स्पीकर के स्पीच होने की। तरुण सेड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टू किरण, तरुण ने किरण को कहा, तो तरुण आस्क्ड किरण वॉट है, तो वॉट हमारा क्वेश्चन वर्ड है, तो इसमें हमें वॉट जो हमारा कंजक्शन के रूप में ही यूज़ होगा। तरुण आस्क किरण
व्हाट यू को हमने चेंज किया किरण में, तो किरण हमारी क्या है, शी है, तो शी बना दिया। अंडरस्टैंड को हमने सेकंड वो सेकंड फॉर्म में ले लिया, अंडरस्टूड हो गया, और दिस का हमारा बना दिया दैट। तो इस तरह से जो है हमने चेंजेस करने होते हैं सो दैट हम हमें अंडरस्टैंड हो, कोई भी हमने लॉजिक पढ़ा है तो वो कहाँ पे यूज़ होगा, किस तरह से यूज़ होगा, तो ये चीज़ें हमें जानकारी होने का। हु केम लेट टूडे, आस्क द ऑफिसर, आई विल नॉट स्पेयर। अब ये एक ऑफिसर है, वो क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, और फिर उसको ये असर्टिव सेंटेंस में कह रहा है, ठीक। अब ऑफिसर जो है आस्क कर रहा है, तो आस्क ही लिखेंगे, ठीक। अब हु जो है हमारा क्वेश्चन वर्ड है, तो यहाँ पे हु हमारा कंजक्शन के रूप में ही यूज़ होगा। अब यहाँ पे केम है, तो केम आपको दिख रहा है जिस तरह से वो पास्ट में ही बात कर रहा है, तो वैसे ही हमने यहाँ पे हैड कम लेट, टुडे का दैट डे, फिर हमने एंड जोड़ कर जो हमारा नेक्स्ट यहाँ पे दिख रहा है, आई विल नॉट स्पेयर, मैं उसे स्पेयर नहीं करूँगा, तो वो असर्टिव सेंटेंस में कह रहा है, ना कि क्वेश्चन में कह रहा है। क्वेश्चन तो उसने पहले किया, फिर उसने असर्टिव सेंटेंस में बात की, मतलब इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि किस तरह से दोनों सेंटेंसेस का निचोड़ यहाँ पे देखा गया। एक तो हमारा आ गया इंटरोगेटिव, दूसरा सेंटेंस हमारा आ गया असर्टिव सेंटेंस। अब एक ही बंदे ने क्वेश्चन पूछा, ये क्यों काम नहीं हो रहा, ये आज नहीं हुआ ना तो मैं नहीं छोड़ूंगा, तो मतलब एक बंदे ने क्वेश्चन किया तो उसने ही क्या किया, एक पॉजिटिव लाइन कही कि मैं उसको स्पेयर नहीं करने वाला। तो इसमें यह कहने का अर्थ है कि जब सेंटेंस में दोनों प्रकार के या दोनों नेचर के सेंटेंस हमें देखने को मिले, इंटरोगेटिव और हमारा असर्टिव सेंटेंस, तब हम क्या करते हैं, सेंटेंस हमारा इस तरह से होगा। पहला तो हम पूरा जिस तरह से हमने पढ़ाया कि आस्क लिखेंगे, जब हु होगा तो हु हैड को पास्ट में पास्ट है तो पास्ट में चेंज करेंगे, इस तरह से पास किया, एंड लगा कर हम लिखेंगे सेट दैट, जिस तरह से असर्टिव सेंटेंस में हम कोई भी सेंटेंस को जब बनाते हैं इनडायरेक्ट में तो सेट दैट लिखते हैं, ठीक। फिर हमारा आएगा सब्जेक्ट, ही वुड, विल को हमने चेंज किया वुड में, और नॉट तो स्पेयर वैसे ही है। सेंटेंस बहुत ही गहनता है इसकी, समझने वाला समझेगा। आगे है खन्ना सेड टू हिम, व्हेन डिड यू लीव, यू हैव टू इन्फॉर्म मी। अब ये सेंटेंस भी इस तरह सा ही है जिस तरह से हमने पढ़ा कि खन्ना ने कहा उससे कि भाई कब तुम इसको छोड़ोगे, कब तुम इसको छोड़ोगे, यू हैव टू इन्फॉर्म मी, आपको इन्फॉर्म करना होगा। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन की बात की गई है, एक में उसने क्वेश्चन पूछा और दूसरे में उसने असर्टिव सेंटेंस का यूज़ किया, वैसे ही सेट टू हो जाएगा आस्क व्हेन कंजक्शन के रूप में, और जब हम यू को चेंज करेंगे हिम में तो दैट इज़ ही, डिड जो है पास्ट में ही है तो हमारा हैड हो जाएगा, लीव को हमने सेकंड फॉर्म कर दिया हैड लेफ्ट, एंड सेड दैट यू को हमने चेंज किया ही में तो ही हैड टू इन्फॉर्म मी का हमने बना दिया हर। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को समझना है कि इस तरह से सेंटेंस में हमें नेगेटिव और असर्टिव इंटरोगेटिव और हमारा जो है असर्टिव डिफर कर सकता है, और हमारी ये क्या आ गया हमारा एनीवेज। तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ खास इम्पॉर्टेंट एरियाज़ जिसमें हमने वर्क करना था। यहाँ पे जब हमने पढ़ा कि किस तरह से इंटरोगेटिव स्विचिंग होती है, इसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से इंटरोगेटिव और असर्टिव सेंटेंस दोनों इसमें मिलते हैं, है ना। और हमने इसमें बात की, अगर हम बात करें यार ये ठीक है, और हमने इसमें बात की कि किस तरह से जो है क्वेश्चन वर्ड क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड किस तरह से होते हैं, इसमें कौन कौन सी जो वर्ब्स हैं वो हम यूज़ करेंगे, एंड इसके पहले हमने पढ़ा यूनाइटेड सेंस डिवाइडेड सेंस क्या होता है, ठीक है। तो ये तो हमने कल ही पढ़ लिया था, आज हमने जो पढ़ा है वो दैट इज़ इन
इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इसमें किस तरह से हमने क्लोज एंडेड ओपन एंडेड की बात करनी है, किस तरह से क्वेश्चन पुटअप किया जाए, अगर क्लोज एंडेड में किया जाए तो किस तरह से हमने उसकी जगह हमने कौन से कंजक्शन को यूज़ करना है। अगर फॉर एग्जांपल आपके क्वेश्चन वर्ड्स दिए गए हैं तो उसमें सिर्फ क्वेश्चन वर्ड को ही कंजक्शन के रूप में यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपने जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे, इसको समझोगे नहीं, तब तक आपको ये इंडल्ज नहीं होंगे आपके दिमाग में। तो इंटरप्रेट करने के लिए आपको बार बार इसको समझना होगा, बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसमें पुट करके देखेंगे और उस पर इसी जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब्स हैं उसको लगा लगा के देखेंगे, तब हमारे दिमाग में फिट हो जाएंगे कि हाँ ये चीज़ होती है। इसी से हम अपने लेक्चर को, जो हमारा जो शब्द हवली है उसको हम स्टॉप करेंगे। मिलते हैं अगले शब्दावली या हमारे लॉजिक के साथ।